असल में मुझे एक चीज़ याद आई है चारू, इतने दिनों से हम अपने चक्करों में लगे रहे और वो नहीं शेयर कर पाया। और अब याद क्यों आया कि कल ही मैं यहाँ टीवी पे देख रहा था, हमारा प्रोबेबली स्टेट बैंक का गवर्नर पाकिस्तान का था या क्या, मैं उसका नाम नहीं सामने आ रहा था तो मुझे ये नहीं पता चला, लेकिन उसने ये कहा कि हमने बैंक्स को जो टारगेट दिए हैं तो पता नहीं कितने टाइम में उन्होंने 2 या 20% कम से कम लड़कियों को, ख्वातीन को जॉब्स में वो देना रखना उनको। ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान में लड़कियों को, औरतों को, ख्वातीन को जरूर बहुत कम जॉब। अब खैर ट्रेंड शुरू हुआ बहुत अरसे से, लेकिन स्पेशली कर उसने कहा कि बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनके साथ हमने बड़ा मीटिंग्स करके काम करके बड़ा उनको, ताकि लड़कियों को भी वो जॉब्स अलाउ करें। और 2 करोड़ फीमेल्स के अकाउंट्स उनको कहा कि वो ओपन करें और इजी वे में करें और ऑनलाइन कोई तरीका ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। वहीं से मुझे ये बात याद आई जब उन्होंने कहा नहीं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं दिलचस्प बात बताऊं। अभी हम पाकिस्तान, हाँ याद आ गया ना, अभी पिछले दिनों हम पाकिस्तान गए हुए तो हमने सोचा कि आप ये देखें कि पहले भी मैं जब भी पैसा यहाँ से लेके गए किसी काम काज के लिए, घर की मेंटेनेंस के लिए, अपने जेब खर्च के लिए, खाने पीने के लिए, बैंक अकाउंट है मेरा कैनेडा यूएस का था तो उसमें वो पैसे वहाँ यहाँ से हम लीगल के भी, चलो मुल्क का भी फ़ायदा है बेशक, हालांकि आपको पता है कि मार्केट का रेट हाई होता है दूसरी चीज़ों का, तो उसमें हमने कभी परवाह नहीं की, उसके थ्रू भेजता रहा। और उसको रोका कब मैंने, जब एक मरतबा उसी बैंक ने मुझे कह दिया जी नहीं आप जो है वो आप यहाँ से पैसे वो जो ना तो निकाल सकते हो ना इसमें डाल सकते हो जी, और क्योंकि आप जो है फाइलर नहीं हो। भाई फाइलर मैं इस कंट्री का फाइलर हूँ, यहाँ मैं टैक्स फाइल करता हूँ। हमें जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो मुझे पता है, जो हमारे अकाउंट बोला भाई आप यहीं जो भी टैक्स फाइल करो, आपको ये नहीं कि यहाँ अलग करो टैक्स फाइल, वहाँ अलग करो कोई इन्फॉर्मेशन, वहाँ कुछ हो यहाँ कुछ हो, मैं ऑनलाइन उसमें बता रही हूँ। इसमें कोई ढकी छुपी या चोरी की तो बात नहीं, ना कोई ऐसा टैक्स में कोई चोरी वाली बात है, ना की है हमने खुदा का शुक्र है। सो उसके मुताबिक मैं यहाँ टैक्स रिटर्न हम फाइल करनी है, यहाँ की हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चूँकि ज़्यादा टाइम यहाँ रहते हैं यहाँ के सारी चीज़ें। तो मैंने बहरहाल वो मैं बात दूसरी तरफ चली गई, तो वो जब उन्होंने ये किया तो मैंने कहा अच्छा भाई नहीं करते, तो उन्होंने मेरा अकाउंट आप सोचें यूएस डॉलर का जो है वो डोरमेंट कहलाता है उसके अंदर उन्होंने बंद करके उधर भेज दिया कि जो ऑपरेट कि भी आप ऑपरेट नहीं करें। ऑपरेट मैं कब करूं, वो कहते हैं ऑपरेट करें जब आपको अलाउ करेंगे जब आप फाइलर बनोगे। मैंने कहा नहीं ठीक है मैं नहीं बनता फाइलर, मैं वहां फाइलर हूं तो अब मैं यहां क्यों बनूं। वो मेरा डॉक्यूमेंट भी भेज दिया इन्होंने। अब मेरा पाकिस्तानी अकाउंट है, उस वक्त मैं क्या करता था यूएस डॉलर में पैसे डॉलर भेजे, वहां से यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में वहीं से उसमें भेज, तो गवर्नमेंट के पास तो डॉलर गए ना, फिर उसको मैं यूज करता था जब भी कोई चीज ली कोई किया जब भी। तो अब सूरत हाल क्या, वो यूएस डॉलर का तो अकाउंट हो गया बंद। अब हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं, कभी तो डायरेक्ट अपने उस अकाउंट में जो जरूरत के मुताबिक या कोई जेब में जितने लीगली आपको अलाव है उसमें से जितना ले जाना चाहें वो यूएस डॉलर जेब में ले गए कैश कराए अपना खर्चा पानी जो भी गाड़ी भेज दें। अब बात यहाँ से याद मुझे क्यों आई, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा भी इतना शदीद आया कि वो कहने लगा जी खवातीन को जो आसानी के लिए और उसके लिए। मैंने कहा खवातीन की आसानी को छोड़ो, ये पाकिस्तान के बेचारे वहाँ की लोकल खवातीन की आसानी की आप बात करते हो। हम यहाँ से गए, हम जब पाकिस्तान अभी की बात है, तो मैंने कहा आसफा ऐसे करते हैं, बल्कि आसफा ने कहा बोला भाई ये घर की कोई बिल बत्तियाँ होती हैं वो होते हैं वो होते हैं, बेचारे दोस्त हैं उनको आप तकलीफ देते हैं वो पे करते हैं, तो आप मेरा अपना अकाउंट खुलवा दो, मैं अपने अकाउंट में वहाँ से पैसा कैनेडा से उसमें भेजा करेंगे और उसमें बैलेंस। जरूरी नहीं कि आपको वहाँ यूएस डॉलर ही हो तो भेज सकते हैं, आप यहाँ से डॉलर भेजेंगे प्रोसीजर यही होता है कि वो डॉलर यहाँ से गए, बेशक आपका लोकल पाकिस्तानी अकाउंट है वो आपके अकाउंट में कन्वर्ट होके चले जाएंगे अनलेस कि आपका यूएस का अलग से अकाउंट हो। तो आसवा ने कहा मुझे यूएस के डॉलर के अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, मैं पाकिस्तान में अपना ये अकाउंट खोलती हूँ और उसके बाद कैनेडा से आने से पहले जो भी पैसा अपने अकाउंट में भेजूं और वहां से मैंने जरूरत के मुताबिक हम निकाल भी लें, खर्च करना वो भी करें और प्लस जो घर के बिल बत्तियां हैं वगैरह जो भी चीज़ें वो वहां से मैं ऑनलाइन वहीं से पे कर दिया करूंगी। आप सोचें, अब मैं आता हूं असल बात के ऊपर। तो मैं पहले जिस बैंक में था, मैं नाम क्या लेना, चलो वहाँ उनकी सर्विसेज और उसने मेरा अकाउंट जब बंद बंद किया तो मैं मुतमइन नहीं था, तो मैंने कहा दूसरा बैंक दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी इलाइट बैंक जी बहुत ही अच्छा उनकी सर्विस है फलाना दिखाना है, तो मेरा एक दोस्त और यहाँ तक कि मेरा दोस्त कहने लगा कि वो उसका जो मैनेजर है
वो मेरा जानने वाला है। तो अभी आप सोचें कि वो उसका जानने वाला था, वो दोस्त ने कहा, उससे बात की, उसने कहा जी हाँ जी खोल देंगे अकाउंट, तो आपको लेकिन वो वाइफ को आना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं, उन्होंने टाइम दिया, मैं घर गया, अपने पासपोर्ट कैनेडियन और अपनी आईडियां पाकिस्तानी सब लेके आसवा को लेके बैंक में पहुंच गए। अब आप अंदाजा करें, बैंक से बैंक में मिले, हेलो आए हुई मैनेजर से, उसके बाद जो उसको मैंने वो दी, वो बैठे, हम बैठे हुए बाहर बैठे हुए हैं वहाँ, और वो अपने ऑफिस के अंदर, वो मैं ये देख रहा हूँ हमारे कार्ड उसने पकड़े हुए हैं, बस वो फोन पे बात हो रही है, एक फोन रख रहा, दूसरा उठा रहा, दूसरा रखा, पहला उठा रहा, वो करके वो बातें बातें, वो हमें आवाज, बहुत टाइम बैठे रहे, आधा पौना घंटा। आप सोचें कि हम वहीं बैठे हुए इंतजार करें कि यार ये कर क्या रहा, हमें समझ नहीं। हमें दोस्त से पूछा यार, बोला भी वो असल में अच्छा एक मरतबा तो वो बाकायदा दोस्त मेरा अंदर चला गया, मैनेजर को दरवाजा पे, बोले भी तो बोला उसमें थोड़ा सा कोई इशू आ रहा, तो मैं उसको क्लियर करके तो फिर मैं आपको बताता हूँ। लो जी इशू, अब आप सुन लें करके फाइनली बात बात करके तो कहने लगे कि अपना जाहिर साहब मैं बड़ा माजरत खुआ हूँ कि वो अकाउंट तो आपका नहीं खुल सकता। मैंने क्यों क्या, तो बोला असल में क्या कि आप चूंकि जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी है, अच्छा ये उसने पूछा, मैंने कहा सोर्स ऑफ इनकम हमारी, मैंने कहा हम रिटायर आदमी हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं, बच्चे पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान भी भेजते हैं जब आते हैं, जब भी दूसरे हमारे जो मेरा रेगुलर अकाउंट दूसरी बैंक का उसमें भी बच्चे भेजते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपको हम क्या दें। आपको बता रहा हूँ 25 साल से ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं बाहर रह रहा हूँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरी, हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। अब आप जो भी बंदा ये वीडियो देखे जिसका इससे कोई ताल्लुक है वो मुझे बताए कि अगर हम हो सकता हम कोई गलत हों या मैंने उसको बड़े नेगेटिव में ले लिया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपको कह रहे हैं कि हम रिटायर्ड आदमी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो बोला अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो अकाउंट नहीं खोल सकते। आप ये सोचें दोस्त का वो जानने वाला दोस्त ताल्लुक वास्तेदारी सब कुछ करके उसको ये पता 25 साल से ये बाहर रह रहे हैं, कैनेडियन पासपोर्ट उनके हाथ में, हमारी आईडी यहाँ की भी उनके हाथ में, पाकिस्तान के हाथ में। आप सोचे एक घंटा तक हम वहां दलील उखार उतरे, उस बंदे ने अकाउंट खोल के नहीं दिया, या एलाइट बैंक की मैं बात कर रहा हूं। फिर आखिर में उसने कंडीशन क्या लगाई, बोला आप ऐसे करें कि आप वहां से जो दूसरी एजेंसी जिनके थ्रू, जैसे वेस्टर्न यूनियन या कोई और है, उसके थ्रू जब आप पैसा मंगवाएं, आपके बच्चों को बोले वो आपके वाइफ के नाम का कोई वो कुछ पैसा वो भेजे, वो आप हमारी बैंक में आए तो हम उसको जब वो आपको ऑनर करेंगे वो कैश करेंगे, यानी वो कोड मिलता है वेस्टर्न यूनियन का, आप हमारे हमें देंगे, हम आपके वाइफ को जब वो पैसा देंगे तो उसके बाद उस पैसे को हम इनका फिर अकाउंट खोलेंगे और उसमें डालेंगे। मैंने कहा अपना काम करो जाओ, तुम किसने मैनेजर बना दिया तुमको। मैंने कहा हम सारा 6 महीने यहीं बैठे रहे, पहले बच्चों को, बच्चे भी इतने फारिग नहीं है, पहले हम उनको बोले वो माँ के नाम के पैसा भेजें, फिर हम तुम्हारे पास आए, फिर उसके बाद तुम उस पैसे को हमारी मेरी वाइफ का अकाउंट खोलोगे, उसमें डालोगे और उसके बाद तुम अकाउंट खोलोगे। मैंने कहा दिस इज नॉट द वे। मैंने कहा आप यकीन करें, बेशक मेरे दोस्त को, मैंने कहा यार इधर पकड़ा है, मेरी आइडिया पकड़ा है, मैंने उससे पासपोर्ट पकड़ा, वो भी देखता रहा मेरा मुंह, मेरा दोस्त भी देखता रहा कि यार मतलब मैंने कहा आसो चले उठे, जब चले हम उठे, उठ के अपने घर आ गए। बातें इतनी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, वो स्टेट बैंक का गवर्नर था या अकाउंट था, मुझे तो अब नाम भी सामने लिखा हुआ आता तो मुझे पता लग जाता, क्योंकि जब वो कह रहा हमने बैंकों को ये किया, ये मुझे पता कि कोई पॉलिटिकल वो शख्सियत नहीं था, कौन सी पॉलिटिकल शख्सियत जिसको मैं नहीं जानता हूँ, तो मे बी स्टेट बैंक का कोई गवर्नर हो या कोई और हो या उसका जो भी जिम्मेदार होगा। उसने कहा जी हमने बैंक को कही, तो क्या आप लोगों ने ख्वातीन को नौकरियां देनी है, क्या आप लोगों ने आसानियां पैदा करनी है औरतों के अकाउंट खोलने के अंदर, अभी आप लोगों को कोई चाहिए 1000-1500 साल और चाहिए यहाँ दुनिया के साथ मिलने में, बातें आप लोग ज्यादा करते हो, काम कुछ नहीं करते हो। अब मुझे आप लोग जो भी देखे खुदा के लिए मुझे ये बताएं कि मुझे ये गुस्सा, मैं ये पैनिक और ये जो बात कर रहा हूँ अगर गलत है तो मुझे बताएं कि मैंने गलत किया। एक आदमी को सोर्स ऑफ इन, अगर ये ला है, कानून है, पहली बात तो मैं कहता हूं कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए। क्यों ये कानून है कि अगर मैंने कोई भी, मुझे भी किसी ने दी है, मैं अगर अपने अकाउंट में जमा करूं तो मुझे कहें कि नहीं आप अकाउंट नहीं खुला सकते क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता। हाँ सोर्स ऑफ इनकम ये देखें, अगर मिलियंस अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर उसमें आते हैं, आप कहें कहां से आ रहे हैं, ये तो आपका राइट है, वो जो अपना रेवेन्यू पाकिस्तान जो है इनकम टैक्स वाले उनका राइट है, वो पूछें कि भी आपके अकाउंट में ये 1 करोड़ रुपया कहां से आ गया, वो पूछे, बैंक उनको इन्फॉर्म कर दे कि भी एक बंदे के 100 करोड़ आए, 100 करोड़ रुपए आए हैं, हमें नहीं पता कहां से आए, आप इनसे, वो हमसे पूछे, हम उनको प्रूफ दे दें। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बैंक की मैनेजमेंट को, मैं पर्सनली उस बंदे को नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे हालांकि दोस्त का दोस्त है, लेकिन मैं उसकी मैनेजमेंट बैंक को कह रहा हूं, ये लफ्ज अगर मैं गलत यूज कर रहा हूं, कि बैंक को ये शर्म करनी चाहिए
कि आपको हम बता रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं, आप यूँ कह रहे हो कि हम रिटायर हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं। बैंक में अकाउंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्यों चाहिए? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। पैसे डाल रही हूँ, आप मेरी इनकम को अप्रूव कीजिए। भाई वहाँ पूछ सकते हैं, चलो ये अगर एक लाख अगर ये कभी अननेसेसरली करोड़ों आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आ रहे तो जब पूछे ना, जब आ रहे हैं। एक बेसिक अकाउंट खोला है, इन्होंने खोल के नहीं दिया, और हम आज भी आसपास अभी भी कल भी बैठी हुई यहाँ बातें कह लेंगे, वो देखो अभी वो दोस्त को बोलते हैं वो बेचारा बिल वो पे करे, बिजली का वो पे करे, फलाने का गैस का वो पे करे, या कुछ और चीजें भी किसी को देना लेना होता है, या कोई हमने और जो सिस्टम पाकिस्तान में किया हुआ अगर कोई राशन का किसी को पहुंचाने की, तो बोला मैं यहाँ से उसको यही सीधा दुकानदार को यहीं से पे कर दूं और वो वहां से वो इतने पैकेज बना के पहुंचा दे सारी चीजें। इन खाना खराब लोगों ने, मैं क्या इसको गाली दूं कि इन्होंने अकाउंट खोल के नहीं दिया, और मैं नहीं चाह रहा था मेरा अकाउंट उसके उसको मैं ज्वाइंट, अच्छा ज्वाइंट के लिए भी हमने वहां भी बात की। आप देखें उस बैंक को जब ये कहा तो वो कहने लगा इसके लिए ये अकाउंट ज्वाइंट नहीं हो सकता। अब ये भी दिलचस्प बात आप सुन लें, फिर मैं नाम नहीं लूंगा बैंकों, क्योंकि वो अक्सर आपको होता है छोटा शहर है, ताल्लुक वास्ता दोस्त यार हो ही जाते हैं बैंक का, चाहे ऑफिसर है चाहे दूसरे। उस बैंक ने भी हमारा अकाउंट नहीं खोला, मेरा अकाउंट है। मैंने कहा कि वाइफ को इसमें आप ज्वाइंट इसमें डाल देते हैं, वो कह लेंगे इसमें नहीं होगा, इसके लिए आपको दोबारा दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। यार क्या पॉलिसी है लेके आप लोग बैठे हुए हो, कोई उसमें इस्लाह कोई सुधारा कोई चीज नहीं करनी, मुकाबला आप दुनिया से कर रहे हो, हम उसको यूं कर देंगे, इसका यूं कर देंगे, इसका मुंह तोड़ देंगे, करना कुछ है नहीं, सिर्फ बातें बातें। आज हम आसवा बगैर अकाउंट के, मेरा एक अकाउंट है जो ना होने के, हमारा अकाउंट नहीं उन्होंने खोला। अब ये मैं ये किसको मैं पैगाम दूं, अभी कल इसके ऊपर कह रहा था कि 2 करोड़ अकाउंट औरतों के खोले, मैंने कहा पहले 2 करोड़ में से पहले हमारा तो खोलो ना, जिसने जिससे मनोज ने मिला ले बैठा, एक घंटा हमको बिठा के रखा, पूरी दुनिया से उसने बातचीत कर ली। मैं उस पर्सनली उस बंदे को नहीं, चूंकि मेरे दोस्त का भी दोस्त है, छोटा शहर हमारा, मैं उसको ना कोई गाली देना खींच कर, मैंने कहा इस बैंक को एलाइट बैंक को शर्म आनी चाहिए, इसकी बड़ी मैनेजमेंट को, क्यों नहीं आप उसको कह रहे कि इसका अकाउंट खोलो, पासपोर्ट है, प्रूफ आपके पास है, हर चीज है, खोलो अकाउंट इसका, क्यों नहीं खोलना भाई। और अच्छा फिर हम जब कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, जब इस अकाउंट में पैसे आएंगे तो सेंटर कौन भेज रहा है, उसका नाम होता है, मेरा बच्चा भेज रहा है, लाइबा भेजी, उजैर ने भेजा, उसामा ने भेजा, आपको सोर्स ऑफ इनकम पता लगे, इनके इनके बच्चे हैं, इनकी औलाद है, वो भेज रही है। अब हमसे क्या गया, हमको नाक से वो लकीरें लगाएं फिर आप अकाउंट खोलोगे? लेकिन आप ये हमें बता दें कि अगर ये रूल है कि अगर आपने वो करना है, अगर कोई बैंक का बंदा ये वीडियो देख रहा है तो ये बताएं कि ये रूल है कि हमें किसी का प्रूफ देना है कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अब जाने वाले पाकिस्तान जब भी तो अपने पेपर वर्क लेकर जाएं साहब। हाँ बच्चों सारा सारा सब कुछ लेके जाए, मतलब लागत भेजो, हमने अकाउंट ही नहीं खुलाना, जरूरत ही क्या उसकी? तो फिर अब इनको प्रूफ देते फिर नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं तो इनको आईना दिखा रहा हूँ, हमारे अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने बैंक वालों को, ये जो बड़े बड़े कल जो ये भाषण दे रहा था खड़ा कि 2 करोड़ एक अकाउंट हमने औरतों को खोले, बात तो वहां से मैंने ली, हम इतने मोहताज नहीं है कि हम लोगों से इसको कहते फिरे या हमारा अकाउंट जबरदस्ती, उन्हें जरूरत ही नहीं है, जो दुनिया का तरीका है हम वही यूज करेंगे, ये दुनिया सही करती है, लोग जो ये हुंडी के थ्रू इधर पैसे उसको दे दिया, पाकिस्तान में जाके उससे ले लें, बस सीधा सीधा जो ईमानदारी से या जो तरीके से इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है उसको आप करने नहीं देते। मैं उसकी मिसाल सामने हूँ, जिसने मुझे बुरा कहना आओ कहे मुझे बता, मैं बता लो प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ, मुझसे पूछे कि ऐसा किया हमारे साथ। अब वरना हम अब हम प्रोग्राम बना रहे पाकिस्तान का तो हम क्या करते, वो सीधा यहाँ से डालर उनको बोलते भैया आसवा का ये अकाउंट है इसमें आप भेज दो इसमें, ठीक है, जाके वहां से अपने पाकिस्तानी पैसा लेके अपना, तो हुकूमत का गवर्नमेंट के पास डालर तो बाहर जाने हैं, क्योंकि फिर स्टेट बैंक के थ्रू वो जाते हैं ना, जिसको वो क्या वो कहते हैं, चलो जो भी है,